अब देख लिया, नेक्स्ट टॉपिक आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं पे हमारे क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है, थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर या सिर्फ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर भी, तो कोई फाइव को हम रूट फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कहीं पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स को हम मानेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। इससे हमारी मैनिपुलेशन इजी हो जाती है अल्टीमेटली, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिखता है, तो एक्स को हम ए टेन थीटा मान लेंगे और ए कॉट थीटा, दोनों चलेगा। अच्छा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, चाहे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा ले लेंगे या ए कोसेक थीटा ले लेंगे, दोनों से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है इस फॉर्म का, जिसमें कि अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स, या अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ऐसा हमें कुछ दिखाई दे जाए तो एक्स को मानेंगे ए कॉस टू थीटा। ये सारे वेल डिफाइंड फॉर्मूले हैं और ये टेस्ट किए हुए हैं। फिर ऐसा कुछ दिख जाए अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, ये कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है और बी भी कॉन्स्टेंट है, ऐसा कुछ दिखाई देता है हमको, तो एक्स को मानना पड़ेगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मान सकते हैं, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ एक फॉर्म मेथड है, पर हाँ हम देख चुके हैं कि ये इससे ईजी हमारा रिजल्ट आ जाता है। फिर दे रखा है आपको अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे तो बी माइनस एक्स था कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो गई, तो यहाँ पे फिर बीच में बस एक साइन चेंज हो गया और यहाँ पे कॉस की जगह टेन लग गया और यहाँ पे सेक लग गया, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपको याद करना ही याद, ठीक है, याद करने के बिना कुछ होगा नहीं। तो आपको देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आप देख पाओगे जो मैं ये अल्टीमेटली लिख रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपसे बोला कि आप निकालो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने सोचा कैसे कर सकते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिखे थे, फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक्स को हमने ए साइन थीटा मान लिया, तो अगर एक्स को ए साइन थीटा मानेंगे तो एक मिनट के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन ए, और अगर मैं यहाँ पे डी एक्स करूँ तो डी एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो हम पूरे क्वेश्चन को थीटा में ही लिख लेंगे, ठीक है, तो लिख लो डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर देख लिया थे क्या कर सकते हैं, ऊपर तो ए कॉस थीटा डी थीटा तो लिखा ही हुआ है, अपॉन नीचे अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा ए कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वन डी थीटा, दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया थीटा प्लस सी। अब थीटा हमने किसे माना है, हमारे पास थीटा क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये आंसर कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आंसर है, कितना इजी हो गया थे वो, ठीक है ना। हमें बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमने इसको कैसे मैप किया हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ये एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, हमने देख लिया कि ये तो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, तो अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड फॉर्मूला देखा हमने, तो वहां पे दिखाई दे गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर है दिख गया, तो हमें क्या लिखना है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा बताया हुआ है, प्रीवियस चेक कर लो। तो हमने क्या मान लिया, एक्स को मान लिया ए टेन थीटा, अब एक्स को हमने ए टेन थीटा ले लिया तो डी एक्स कितना हो गया, डी एक्स आ गया ए सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसमें ए क्या है, हमने तो ए माना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है ना, तो ए तो हमने टू मान लिया, तो
एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, ए है 2, तो बस सॉल्व कर लिया। तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, फॉर्मूला देखो उसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम देख लेते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा ना अंदर, लिख लेता हूँ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इंटू 2 sec² थीटा डी थीटा, ये तो आएगा। अब यहाँ पे हमने लिख लिया इसको, ये तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, और ये 4 sec² थीटा आ गया, तो जब रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा अंदर से, 2, और सेक्स स्क्वायर थीटा का तो सेक्स थीटा आ जाएगा, इंटू 2 sec² थीटा डी थीटा, ये आ गया, ठीक है, अभी आ गया तो भी कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 2 और 2 कॉन्स्टेंट है, 2 इंटू 2, तो 4 बाहर ले गए और अंदर आ गया sec³θ डी थीटा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं पहले, देख लो आप पहली स्लाइड्स में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec x इंटू sec स्क्वायर x लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये आप वहाँ से देखना, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ आगे, पर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया और हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक। चलिए अब थोड़ी सी और चीज़ें देख ली, स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक इंटीग्रल फॉर्मूला, अब एल्जेब्रिक इंटीग्रल फॉर्मूला आ रहा है, तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 1/2 a नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, तो हमें तो फॉर्मूला याद होगा तो हम इजीली लगा पाएंगे, नहीं तो फिर हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 a नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सिमिलरली डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो 1/2 a नेचुरल लॉग ऑफ, बीच की चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हमारे पास फंक्शन है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/a इंटू 10 इनवर्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं आपको, अगर ऐसा कुछ आ गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन लेट अस से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट में आ गया, रूट ऑफ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हम ऊपर देख चुके हैं, रूट वाला देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब अगर एक और फंक्शन आ गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लिया, अगर ये आ गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। परेशान हो गए होंगे, नहीं, पर ये हमें याद करने ही पड़ेंगे अगर हमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सही करना है तो। ओके फिर देख लिया, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यह अगर लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और एक और लास्ट देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका हो गया एक्स अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमने स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक इंटीग्रल फॉर्मूला याद कर लिए। और इनसे हुआ कि अल्टीमेटली हमने याद क्यों किए, ये हमने याद इसलिए किए कि इन क्वेश्चंस इनको अगर हम याद करेंगे तो हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ टाइप। इन्हें अगर हम याद कर लेंगे तो हम किस टाइप के इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर ऐसे कोई लिखी हुई है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या रूट क्वाड्रेटिक ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,